सर अभी मूवी तो का चालू हुआ है ना? क्या हुआ? नहीं सर, नहीं बोल, सही यही तो भूल गया था, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। टाइम पे चालू कर दिया ना आपने। आवाज कम आ रही है तो क्या बोल रहे हो? तो सही टाइम पे चालू किया ना आपने रिकॉर्डिंग। हाँ कुछ छूटा नहीं है। हाँ, क्या बोला मैंने? मेनार। मेनार क्या होती है? ये लिखा है इनिशिएशन ऑफ ना मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है? बेसिकली क्या है? द फर्स्ट ब्लीडिंग, द फर्स्ट मेंसेस दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना ऑफ फीमेल दैट वी कॉल एज मेनार, हाँ कि ना? और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसकी प्रॉपर्टीज है? प्राइमेट्स की, हाँ कि ना? और प्राइमेट्स क्या है? एक मैमल्स का ऑर्डर है, हाँ कि ना? और दूसरा क्या होता है? नॉन प्राइमेट, जिसमें कुछ इस तरीके के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, जहां पर क्या होती है? ऑस्टियल साइकिल होती है, जहां पर ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है ना? और ये चलता है कब से लेकर कब तक? फ्रॉम द फर्स्ट ब्लीडिंग टू द लास्ट ब्लीडिंग। और लास्ट ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? मेनापॉज बोले, जहां पर एमसी गेटिंग सीज। बस समझ में आ रही क्या? जहां पर मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। और ये कब तक चलती है? टिल दिस साइकिल गोज ऑन टिल 45 to 50 ईयर, हाँ कि ना? ये वहां तक चलती है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ। एंड दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमेट्स, जो कि प्राइमेट्स का ही फीचर्स है, जहां पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और जैसे मंकी वगैरह है, एप्स वगैरह है, ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हाँ कि ना? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनार। ये लिखाया था क्या मैंने? हाँ लिखा दिया हूँ, लिखाना बाकी है। सब आपने लिखवा दिया था, मेंसेस कंपोजिशन तक हो गया था। और आई थिंक ये मैंने डेज भी लिखा था, कितने दिन का होता है? हाँ, ऑन एन 37, एवरेज 28 to 29 days, 21 to 42 days। मिनिमम 21 days से लेकर 42 days तक जाएगा। और ये वेरिएबल हो सकता है, ऑन एन एवरेज ये कम से कम 20 days वाला होता है। क्लियर है क्या? बहुत सारे डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, और जो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, फ्रॉम मिनिमम 21 days होता है। और हायर वुमेन्स में ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जो यंग एज के वुमेन्स होते हैं, मतलब कम एज के जो लेडीज वगैरह होती है, उनमें एक फिक्स रहता है, एक ऑन एन एवरेज चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये साइकिल फ्लक्चुएट करता है, कभी 35 days तो कभी 21 days, हाँ के ना? इन जनरल 21, 22, 23, 24, 25, इस तरीके से 29 का भी पहुंचता है, 30, 31, 32, इस तरह 35 तक पहुंचेगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 42 days का हो सकता है। क्लियर है क्या? अच्छा, इससे ज्यादा फ्लक्चर होना, कभी एमसी हुआ भी, कभी नहीं भी हुआ, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कोई, मतलब मैं कोई इसके अंदर दिक्कत है, जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। बात समझ में आ रही क्या आपको? हाँ यस सर। जी। और फीमेल्स में प्यूबर्टी कब होती है? प्यूबर्टी 10 to 14। एट फीमेल्स टेन टू फोर्टीन लिखाया था क्या मैंने? पहले कुछ मैंने लिखाया था इससे पहले? नहीं मैं सर, लिखाया हूँ एक क्वेश्चन में से 11 से 14 दिया हुआ। कौन से क्वेश्चन में? तो आपने करवाया था ना लास्ट टाइम, तो उसमें ये तो वो क्वेश्चन आया। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए था उसमें। एक मिनट, हाँ 11 to 14 है फीमेल्स के लिए। ये ऑन एन एवरेज डेटा है, ये ना 10 साल भी हो सकता है, ठीक है ना? और ये 10 साल मेल्स में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि आपको? ये एक डेटा है जो हमें पता होना चाहिए, 11 to 14 ईयर्स, बट प्यूबर्टी एट, ये मत कहना कि सर मेल्स में प्यूबर्टी मेंस में साइकिल कहाँ से आने लग गया। बस इस प्यूबर्टी की बात है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ। एट वी कैन से मेल्स, ये क्या होती है बताइए? 12 to 15,
बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो इस तरीके से प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या क्या होती है? द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, जहां पर वो अपना गैमेट्स का प्रोडक्शन शुरू करता है। क्लियर है क्या? फीमेल्स में एक की प्रोडक्शन शुरू होती है और मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है। फीमेल्स में तो उसी टाइम शुरू होती है, लेकिन फीमेल्स में ये प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अब ये कंटिन्यू हो रहा है। बीच में रुक गया था, अब ये फिर से कंटिन्यू, उसी कंटिन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? और ये कंटिन्यू जब होगा, जब वो उनका प्योरिटी वाला एज पहुंचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? द एज ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी, जहां पर उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं, हाँ कि ना, इज कॉल्ड प्योरिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो क्या? एट प्यूबर्टी, एट एट का मतलब 88 लिखना आप लोग, एट प्यूबर्टी, लेकिन एट द रेट का मतलब समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है? मैं, मुझे तो पता है कि मैं एट लिख रहा हूँ, पर आपको पता नहीं है एट द रेट मतलब क्या समझे आप। एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी वुमेन और गर्ल्स, वुमेन और गर्ल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, अरे बोलो तो, ओवम, ओवम मतलब उस साइड कह सकते हैं, सेकेंडरी उस साइड, ठीक है, वहीं पर ओवम बोलना गलत होगा ना? हाँ, अगर आप हकीकत में साथ कहा जाए तो ओवम तो जब बोलेंगे ना जब इसका सेकेंड मतलब सेकेंड मैचिंग डिवीजन हो चुका हो। क्या बोलो बेटा? नहीं, ओवा होगा, ओवा होगा। यहाँ पर ओवा कैसे आ गया? हेलो सर, मतलब आपने जो लिखा है सही है वो बोल रही हूँ। मतलब हम ओवा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ओवा नहीं होता, वो सेकेंडरी उस साइड होता है, ठीक है ना? वो क्या होता है? सेकेंडरी उस साइड, क्योंकि वो एक ही डिवीजन कंप्लीट करके आया हुआ है, सिर्फ मियोसिस वन करके आया होता है और मियोसिस टू के वो अरेस्टेड फेज में होता है, ठीक है ना? मेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, आके ना, बात है कि स्पर्म का डिटेल्स वगैरह आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है? आगे बढ़ू मैं? नहीं सर। आप लोग इतना स्लो लिखते हो, बिल्कुल कछुए की चाल से। हाँ जी, इतना का स्लो तो कैसे कैसे क्या होगा? हाँ, इतना अगर स्लो लिखोगे तो कैसे कैसे क्या होगा? नैया कब क्या बोलते हैं, नैया पार कैसे लगेगा आप लोगों का? अभी जूरा जी बहुत सारा पढ़ना है, वो भी एक्स्ट्रा लेक्चर में, कैसे होगा? अच्छा, मैं आप लोगों के लिए ना एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, ठीक है? उसमें सबके साथ ज्वाइन हो जाना। एक मैं आप लोगों के लिए वो सपोर्ट बनना चाहता हूँ जब मैं पढ़ाई करता था जो मुझे चाहिए होता है, ठीक है? अगर आपको समझ में आए तो उन सपोर्ट का फायदा उठाना, अदरवाइज आपकी इच्छा है, ठीक है? क्या ज्वाइन करने बोली थी?
असाइनमेंट मैं क्रिएट करूंगा जिसमें मैं कुछ आप लोगों को करने के लिए कहूंगा, वो आपको फॉलो करना है। करंट चैप्टर्स पे जो भी कहूं, अगर मरने के लिए कहूं तो भी ठीक है। एक बच्चे का पेन ही खत्म हो गया। तुम लोग से पेन तो मेरे पास है यार, दिखाऊं क्या? तो दूसरे रूम में है मेरा, इधर खत्म हो। हाँ मैं साथ में लेके बैठता हूँ, मैं 5-6 पेन साथ में लेके बैठता हूँ। सर एक मिनट। अरे लिखा क्या? हो गया सर। सबका हो गया? शिव हर्ष तुम्हारा हुआ गया? यस सर। ये तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, तुम बहुत लेट से आए हो ना, तुम्हारा शक्ल थोड़ा मुझे जाना पहचाना लगता है, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा चिंता रहती है, कहीं तुम वही तो नहीं हो, समझे? आगे बढ़ो, क्या मैं बताइए? हेलो, आगे बढ़ो क्या? सर इतिका ने नहीं लिखा। हेलो सर। हेलो सर। हो गया सर, हो गया। अच्छा हो गया था ना। अगला उसमें टॉपिक लिखिए, चेंजेस एट प्यूबर्टी। थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, एमसी को थोड़ा होल्ड पे डालते हैं, क्योंकि इसको काफी दिन से होल्ड पे रखे ना, तो अभी भी थोड़ा उसको होल्ड पे डालते हैं, ठीक है ना। चेंजेस इन प्यूबर्टी कि क्या क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। इन बॉयज एंड गर्ल्स, एक तरफ से बोलते जाइए, मैं लिखते जा रहा हूँ। पहले हम लोग लिखेंगे बॉयज के बारे में या पहले गर्ल्स के बारे में? चलो ठीक है, किसके बारे में लिखो बताइए? गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स। चलो ठीक है, लेडीज फर्स्ट, इसलिए उन्हीं का लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप लोग लेडीज फर्स्ट ही हो गया, लेकिन मेजोरिटी में तो कम होना। हाँ बोलो ना। अगर गोनेट्स के लेवल पे देखा जाए, गोनेट्स के लेवल पे अगर देखा जाए तो क्या होगा? ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, हाँ कि ना? एंड ओव्यूलेशन बिगिंस, ओव्यूलेशन। अच्छा एमसी जब होगा ना, जब पहला तो एमसी ऐसी आ जाएगी, मतलब ये हुआ कि पहले क्या होगा कि हाँ ये कह सकते हैं कि एमसी जब होगा, जब फर्टिलाइजेशन एक का होगा ही। कभी कभी क्या होता है किसी किसी लड़की की अगर किस्मत टूटी होती है तो उसके जिंदगी में क्या होता है कि पहला एमसी भी नहीं आ पाता है। ऐसा भी दुनिया में केसेस है जहां पर उसको पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नसीब नहीं होता, मतलब ये हुआ कि उसको फुल्ली मैच्योर होने का वक्त भी नहीं मिलता और उनकी शादी करा दी जाती है, समझे क्या? और जो ऐसे लोग जो उसको ऐसे शौहर मिलते हैं वो भी कितने कम वक्त होते हैं कि वो भी नहीं समझते कि इंसान क्या होती है। समझ सकते हो कि 10 साल या 12 साल की उम्र में जब बच्चे की शादी हो जाएगी तो उसको ओवुलेशन कहाँ से होगा, मतलब कहाँ से उसको बॉडी में मैच्योर होने का मौका मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या? तो फिर ऐसे बच्चे ऊपर क्या होती है, जुल्म होती रहती है। हाँ ये बात अलग है कि कभी कभार होता है कि कोई समझदार इंसान मिल जाता है जो कि उसको प्रॉपरली उसको पहले केयर करता है, फिर उस बड़ा फिर बड़ा होता है, फिर जाके बच्चे वगैरह का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है क्या? सो ओवेरियन साइकिल एज वेल एज ओव्यूलेशन का स्टार्ट होता है, आगे ना बिगिंस। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट यूटेरस है। अगर एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स के बारे में बात करें, एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स के बारे में बात करें तो इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, हाँ कि ना, मतलब ये मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। तो यूटेरस होगा बताइए, यूटेरस, वजाइना, फेलोपियन ट्यूब, साथ में लिखते चलिए, इसमें कुछ समझना है नहीं। यूटेरस, वजाइना, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट, ठीक है ना। वल्वा इंक्रीज इन साइज, जब बच्ची छोटी होती है तो इनका साइज भी छोटा होता है, जब बच्ची बड़ी होती है, गर्ल्स बड़ी होती है, इनके इन सब साइज में डेवलपमेंट होता है और मैच्योरेशन भी होता है, एंड दे आर एबल टू गेट मेटेड विद द मेल पार्टनर, आगे ना।
बात समझ में आ रही क्या? एंड साथ ही साथ में क्या होती है, बस वन मोर इम्पोर्टेंट बात, कि जो एंडोमेट्रियम है, जो अच्छा हम लोगों ने यूटेरस का हिस्टोलॉजी पढ़ लिया था क्या? हेलो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। क्या हम लोगों ने यूटेरस के अलग अलग लेयर पढ़ लिया था? हाँ सर, डायग्राम तो। अरे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम पढ़ा था। हाँ हाँ, तो प्यूबर्टी में क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम शोज मेंस्ट्रुअल चेंजेस, आगे ना मेंस्ट्रुअल चेंजेस, जिनकी वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। अच्छा एक होता है मैस्टर्बेशन, ये मालूम है किसको क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन पता है क्या? हाँ पता, अगर नहीं है तो, अगर जिनको पता है जानते हो क्या आप लोग? हाँ, ये बहुत बुरी एक लत है। क्या है? एक बहुत बुरी, क्योंकि टर्म आया से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बताना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स को, मतलब सॉरी ऐसे पेरेंट्स में ऐसे बच्चों को कोई कहने वाला कोई नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी एक एडिक्शन है, हम लोग पढ़ेंगे एडिक्शन क्या होती है। एडिक्शन वो बोलते कहावत नहीं है कि अगर तू नहीं तो मैं नहीं, एडिक्शन उस लत का नाम है, मतलब उस बुरी बला का नाम है। उसमें ये कहता है कि तेरे बगैर मैं नहीं, मेरे बगैर तू नहीं, समझे क्या? किसी भी चीज में हो, चाहे ड्रग्स में हो या अल्कोहल या किसी भी चीज का हो। सो हर एक इंसान को ऐसे चीजों से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एज ए बायोलॉजी टीचर, जूलॉजी टीचर, मुझे बताना जरूरी है कि ऐसे चीजों से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि इंसान को देखो टेम्पररीली साइड इफेक्ट से कुछ होता नहीं, इनकी वजह से आपको परमानेंट इफेक्ट दिखता है। जहां पर कभी कभी क्या नौबत यहां पर आती है कि अगर उस केस में अगर मेल बाप बनना चाहे तो मतलब ही इज नॉट एबल टू बिकम अ फादर, कि जो जिस वक्त पे उसको मैच्योर होना चाहिए था उस वक्त वो सारी चीज की डिस्चार्ज हो चुकी, तो उसको हम लोग फिर बाद में वो चीज वापस नहीं आती ना। इसका भी अपना साइकिल होती है, 74 डेज, अराउंड 72 to 74 डेज का साइकिल होता है। अगर उन साइकिल से पहले ही उनको आप रिलीज कर दोगे तो कैसे ये पॉसिबल है कि बाद में चल करके आप फादर बन सको? क्लियर है क्या? सो अगर ऐसा खास तौर से ये बड़े यंग एज में नहीं होता, मतलब कि बड़े लोगों में नहीं पाई जाती है ये जो यंग एज की जनरेशन है ना, जो अभी मैच्योरिटी से मतलब एडोलेसेंस वाला एज चलता है, 20 के आसपास जो घूमते रहते हैं ना, 15 के बाद और 25-20 तक, इनमें ये चीज बहुत पाई जाती है, ऐसी लत, ऐसी एडिक्शन बहुत पाई जाती है। क्लियर है क्या? और ऐसे में क्या होता है, दिमागी तौर से मेमोरी इसमें लॉस होता है, मतलब बहुत सारी साइड इफेक्ट होती है। सारे बात को ना बोलकर एक बात कहा जाए, इट शुड बी अवॉइडेड, इनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ना उसको कोई कहने वाला होता नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, आप शराब पियोगे, आप कोई और गलत काम करोगे तो लोग तो आपको टोक देगा कि बेटा ये मत करो, ये मत करो, पर ये वो ऐसी लत है जिनको किसी को पता नहीं चलता। शकल से तो मासूम दिखेगा पर अंदर से बहुत बड़ा शैतान होगा, समझे क्या? तो दिस शुड बी अवॉइडेड, बात समझ में आ रही क्या? तो ये क्या होगा आपके पास, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, और क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, हाँ कि ना? इतनी बात समझ में आई क्या? अगला पॉइंट लिखिए, बोलते हैं टिपिकल फेमिनिन, फेमिन का मतलब क्या होता है, फेमिन का मतलब क्या होता है? फीमेल। हाँ पक्का ना? हाँ सर। हाँ, टिपिकल फेमिनिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, फेमिन होगा, फेमिन क्या होता है? MININ होगा सर, फेमिन अलग चीज होती है ना, ये NIN होगा, फेमिनिन। हाँ सर। रितिका तूने क्या बोला, हाँ कैसे बोल दिया, छोड़ो यार अलग होता है, मैं डायरेक्ट वो क्यों नहीं लगा, फिर फेमिन क्या होता है?
फरमाइन वो होता है ना, होता ना अकाल पड़ा, अकाल वाला चीज। सर ठीक है, क्या टिपिकल फेमिनिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स? ठीक है, एक्सिला साथ ही साथ में एट प्यूबिस, मतलब प्यूबिक हेयर प्यूबिस, बात समझ में आ रही क्या? बट नो हेयर एट अ बियर्ड और मॉस्टेज, था कि ना? फीमेल में तो ऐसा नहीं होता है ना, बियर्ड वगैरह या फिर मॉस्टेज वगैरह ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करती है, जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करती है, स्मोकिंग वगैरह करती है, तो इन साइड इफेक्ट की वजह से उनके पास भी ऐसा आना शुरू हो जाता है, मतलब मेल जैसे कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बात समझ में आ रही क्या? नहीं, चेस्ट में हेयर आती है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है इसलिए आप खांस रहे हो क्या? बीच बीच। मैं क्यों बच्चा जब से खांस रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि आवाज ब्रेक हो रही है, तो मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ, ठीक है ना? बट नो हेयर्स ऑन चेस्ट, और वी कैन से चेस्ट ना बोला जाए ब्रेस्ट है, ठीक है ना, या फिर एब्डोमेन, एब्डोमेन। बट यहीं पर मेल्स में क्या होगा, इन सब चीजों में मतलब कि एक्सिस, मतलब क्या, आर्मपीट की वजह, आर्मपीट हो गया, प्यूबिक रीजन हो गया, इन सब जगह बाल हेयर्स का आउट होती है, साथ ही साथ में चेस्ट में भी हेयर होते हैं और भी होते हैं, मतलब पूरे स्किन में ही हेयर होती है, क्योंकि हेयर्स का रिलेशन मेल के साथ है और फीमेल्स का रिलेशन हेयर के साथ नहीं है, सिर्फ उनका हेयर कहाँ पे होती है, हेड पे होती है या आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो क्या, आगे बढ़ूं? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, आगे बढ़ो, बोलिए यार। इसी में कंटिन्यू कीजिए आप लोग, कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एट अ पार्टिकुलर प्लेस फैट्स की डिपोजिशन की वजह से उनकी ब्यूटीनेस बढ़ती है, क्योंकि ब्यूटीनेस इज रिलेटेड टू फीमेल्स, सो एट अ पार्टिकुलर पोजिशन पे, पार्टिकुलर प्लेसेस पे फैट्स की डिपोजिशन होती है। क्लियर है क्या? लीडिंग टू फेमिनिन, लीडिंग टू फेमिनिन कैरेक्टर्स, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही क्या? साथ ही साथ में एक इम्पोर्टेंट और, कि पीचनेस में बढ़ जाती है, हाँ कि ना? पीचनेस बढ़ती है, साउंड की पीचनेस बढ़ती है, मतलब श्रिलनेस, पतलापन बढ़ती है, हाई पीच साउंड, लाउडनेस कम होती है और पीचनेस बढ़ती है, मतलब श्रिलनेस बढ़ती है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? अगला होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल पता है क्या आप लोगों को? आपके बॉडी में दो गर्डल होती हैं, मतलब एब्डोमेन के इधर जो पेल्विक गर्डल, ह्यूमंस के बॉडी में दो जगह पाई जाती है, एक होती पेल्विक गर्डल, एक होता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल क्या होता है, जो कि शोल्डर वाले गर्डल, ठीक है ना, दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ क्या, ये वाले, और जो वेस्ट वाले पोर्शन है, जो यहाँ पे जो हड्डी है उसमें क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अभी तो हम लोगों ने पार्टी शुरू ही किया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्टी तो अभी शुरू किया है, अभी वो खत्म होना बाकी है, ठीक है ना। सो पेल्विक गर्डल हो गया, पेल्विक गर्डल बिकम्स ग्रो, बिकम्स व्हाट वी कैन से ब्रॉड, क्योंकि बेबी का स्पेस भी चाहिए वहां पे रहने के लिए, आगे ना, और फैट्स का डिपोजिशन भी होना है, सो दैट के उनको प्रोटेक्शन मिल सके। पेल्विक गर्डल बिकम्स रूमी बोलेंगे इसको, मतलब समवॉट राउंडेड शेप। क्लियर है क्या? एंड बिगर देन
ये सारा पॉइंट्स आपको ना यहीं पे लर्न करके इनको यहीं पे पढ़ना बंद कर देना है, समझ में आ रहा है? मतलब कि एक दो बार पढ़ गए यहीं पे इसको बंद, बार बार आप इन चीज को पढ़ नहीं सकते कि वो, क्योंकि ये वो चीज है जो आप बार बार इनको पढ़ नहीं सकते, ठीक है क्या? बिगर देन पेट्रोल गडल, इसीलिए क्या होता है इनका वेस्ट ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू द शोल्डर, पेक्टोरल गर्डल, हाँ कि ना? बिल्कुल वॉयस के अपोजिट होती है, हाँ कि ना? वॉयस में क्या होता है, शोल्डर चौड़ा होता है और वेस्ट मतलब पेल्विक गर्डल क्या होता है, नैरो होता है, हाँ कि ना? क्या लिखा मैंने, पेल्विक गर्डल के बाद क्या लिखा है, बिकम्स, बिकम्स बिग, कहाँ लिखा, बिकम्स रूमी, अरे राउंडेड शेप, फिमेज नहीं देखा क्या तूने? अरे मूवी वगैरह देखा होगा ना, हाँ, अगर ज्यादा अगर इसका रूमी का अगर नाम नहीं पता है कि रूमी क्या होती है, रूमी वैसे लड़के का भी नाम होती है, पर यहाँ पर रूमी का मतलब ऐसा, आप सर्च करना रूमी गूगल में, आपको वहां पर बहुत सारा पोस्टर दिख जाएगा, ठीक है ना? आपको जो सा पोस्टर देखना हो आप देख सकते हो, ठीक है? हाँ, तो क्या होगा, पेल्विक गर्डल बिकम्स रूमी एंड बिगर, बिगर देन द पेक्टोरल गर्डल, हाँ कि ना? बिल्कुल बॉयज के अपोजिट होती है, क्या होती है? देखो ना, हंसने की कोई जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है ना? इसमें कब तक हंसते रहोगे, थोड़ा सा बेशरम बन जाओ, थोड़ा सा बेशरम बन जाओ, ठीक है ना? ऐसा हंसने की अगर चीज हो, ये सब चीज, ये फैक्ट है, नेचुरल चीज है, हम इसमें हंस के क्या करेंगे? वी शुड नॉट शाई और वी शुड नॉट लाफ एट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर ऐसा आदमी शर्माते रहे तो टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, फिर कौन पढ़ाएगा? खुद से पढ़ना पड़ेगा। और ये सेक्स के बारे में एजुकेशन बताना बहुत जरूरी होता है यंगस्टर को बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या चीज है ये, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि अपोजिटिव बॉयस जहां पर क्या होता है आपके पास, पेक्टोरल गर्डल बिगर होती है, पेक्टोरल गर्डल, ये नाम अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि आपको दोबारा मिलने वाला है, पेक्टोरल गर्डल बिगर देन पेल्विक गर्डल, और वी कैन से एंड पेल्विक मच लेस रूमी, क्या बात है सुजाल, तुम बहुत बड़ा मुस्कुरा रहे हो, रूमी से हंसी आ रही है। अरे रूमी कोई है क्या आपको रूमी नाम से? नहीं है तो बता सकते हो, आपके दोस्त वगैरह यहाँ पर है, मैं अपने कान बंद कर जाता हूँ, ठीक है? एक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जिनको थोड़ा सा अगल उगल होता है वो लोग थोड़ा संभाल के रहते हैं, अदरवाइज अगला पॉइंट है अट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉयज, ठीक है? ये एक नेचुरल फैक्ट है, वी कांट डिनाई इट, ठीक है? सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है, मेल्स में भी ऐसा होता है कि मेल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल, एक नेचुरल फिनोमेन है कि मेल्स को फीमेल पसंद है और फीमेल को व्हाट वी कैन से, क्या बोला मैंने, मेल्स को फीमेल और फीमेल्स को मेल, ठीक है ना? जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे मेल्स को फीमेल, फीमेल को मेल, हाँ कि ना? सो अट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉयज, हाँ कि ना? और वी कैन से अट्रैक्शन फॉर बॉयज, बात समझ में आ रही क्या? बहुत लोग अपने आप को संभाल के रखते हैं, अदरवाइज बहुत लोग इस रास्ते से फिसल जाते हैं, ठीक है? मैं इस सफर को एक तलवार की धार से ज्यादा शार्प मानता हूँ, जो संभलता है वो कामयाब होता है, जो फिसलता है वो नाकाम रहता है, फिर बाद में अपने आप को कोसता रहता है, काश ये कर लिया होता, काश ये गलती ना करता, ठीक है? यही वो वक्त है 25-26 तक जिसने संभल के रखा वो बहुत मस्त जिंदगी जीता है, समझे क्या? जो नहीं संभला, चाहे पढ़ाई के मामले किसी भी मामले को हर फील्ड में, जो अपने आप को संभाल के रखा वो अच्छी जिंदगी जिएगा, जो नहीं संभाला वो उसी तरह की लाइफ चलते रहेगा और उसकी लाइफ भी वैसे चलती जाएगी। आगे बढ़ो क्या मैं, अगला पॉइंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और एस्ट्रोजन, क्लियर है क्या? साथ ही साथ में कौन होगा, प्रोजेस्टेरोन,
मेरी बात समझ में आ रही क्या? प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन, सेक्रेशन ये सारे के सारे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, ऑल राइजेस। बात समझ में आ रही क्या आप लोगों को? हर्ष साहब समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, अब बात करते हैं कमबख्त बॉयज के बारे में, कितने ये नोटी होते हैं इनके बारे में देखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ू क्या मैं? इसमें क्या होगा? इनलार्जमेंट ऑफ, बताइए। अरे बोलो तो। शोल्डर, शोल्डर पहले शोल्डर ही बढ़ाओगे? इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल, नहीं सॉरी पेक्टोरल, पेक्टोरल गैदर। मेटाजेनेसिस दो प्राइमरी फंक्शन है, पहले वो आएगा ना। शोल्डर तो बचपन प्यूबर्टी आते ही शोल्डर बनना शुरू कर, जिम करना शुरू करते हो क्या ना? बड़ा होने के बाद थोड़ा सा बड़ा होते हैं 15 साल के 20 साल के, तब आप जाके जिम करते हो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस विल स्टार्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस विल स्टार्ट, हाँ कि ना? गोनेट्स के लेवल पे अगला पॉइंट है, जिस तरीके से वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, यहाँ पर क्या होगा? मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का साइज में बढ़ेगा और मास का, मास में भी बढ़ेगा, हाँ कि ना? तो पेनिस हो गया आपके पास, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये सारे हम लोग ग्लैंड पढ़ रखे हैं, बल्बो यूरिनरी ग्लैंड पढ़ रखे हैं, और इन सब का सेक्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, हाँ कि ना? तो प्रोस्टेट हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, हाँ कि ना? हेलो, और साथ ही साथ में एपिडिडाइमिस, जहां पर क्या होता है? डीकैपेसिटेशन और मैच्यूरेशन होता है। एपिडिडाइमिस, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, यस सर, यस, सबकी आवाज नहीं आ रही यार, शर्माने से कुछ नहीं बोल। एपिडिडाइमिस तो फिर आप एग्जाम में भी शर्मा जाओगे, ठीक है? तो पेनिस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, बल्बोचरल ग्लैंड हो गया और एपिडिडाइमिस हो गया, इन सब में क्या होगा? इट ग्रोज इन मास, आगे ना? और पेनिस में क्या होगा? इलोंगेशन होगा और इरेक्शन विल स्टार्ट, आगे ना? वैसे इरेक्शन बच्चों में भी होती है, स्मॉल बॉयज में होती है, क्लियर है? पर वो नॉट दैट काइंड ऑफ इरेक्शन है जो कि एक मैच्योर मेल में होता है, ठीक है? ग्रो इन मास, आगे बढ़ू क्या मैं? जैसे फीमेल्स में क्या होता है कि चेस्ट में, मतलब ब्रेस्ट में हेयर नहीं होती है ना, क्योंकि हेयर्स होना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बेबी को बेबी मिल्क भी सक करना है, तो फिर मिल्क सक करना है उनको, मतलब बहुत सारी दुविधा है, परेशानी है, जिनकी वजह से क्या है कि फीमेल्स में ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई फीमेल्स में ना होगा कि कहाँ होता है ये, मेल्स में, क्योंकि मेल्स में बेबी तो सक करता नहीं है, आगे ना? मेमोरी ग्लैंड होता है पर वो ग्लैंड नहीं होता, ठीक है ना? वो क्या होता है? सिर्फ एक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? ऑटोमेटिकली तुम किधर हो? ऑटोमेटिकली क्लास में हो, फिर कैमरा बंद क्यों है? फरहान, भूमिका, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, हाँ सर, जैसे मेरी है ना, हाँ कि ना? आप लोग में से किसकी किसकी है? मॉस्टेज, अरे बोलो तो, गर्ल्स में किसी का मॉस्टेज तो नहीं है ना? कुछ को होता है सर, तो वो अलग केस है, ठीक है? जो लोग वर्टिकन से, जो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग ड्रग्स वगैरह का एडिक्शन में रहते हैं, उनको कुछ मैस्कुलिन कैरेक्टर आते हैं, ठीक है ना? जिनको ऐसा होता है, पर मेल जैसा मॉस्टेज नहीं आती, क्लियर है क्या? मेल जैसा मॉस्टेज ये मेल के लिए होती है, फीमेल्स के लिए नहीं होती, आगे ना? दो टर्म है ना, एक होता है ब्यूटीनेस, एक होता है हैंडसम। तो हैंडसमनेस मीन फॉर मेल्स एंड ब्यूटीनेस बिलोंग्स टू फीमेल। सो दोनों के लिए अलग अलग चीजें नेचर ने बनाई है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते ना, हम इसको बदल सकते, ठीक है ना? तो अपीयरेंस ऑफ बियर्ड हो गया, मॉस्टेज हो गया, आगे ना? एक्सिलरी हेयर भी हो गया, आगे ना? मतलब एक्सिस मतलब आर्मपिट, एक्सिलरी का मतलब क्या हो गया? आर्मपिट, प्यूबिक हो गया, ठीक है? एंड साथ ही साथ में चेस्ट हेयर,
इन सबकी ग्रोथ होती है। अच्छा इसमें इनके साउंड में क्या होगा, लो पिच या हाई पिच? लाउडनेस, लो पिच। लो पिच साउंड मतलब लाउडनेस ज्यादा होगी, मतलब डीजे की तरह भर 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 आएगा, ठीक है, मतलब फटा वाला नहीं, अच्छा वाला आवाज, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम में क्या होगा, इसमें ग्रोथ आएगी मसल्स वगैरह, मस्कुलर ग्रोथ मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फीमेल्स आर वीकर एज कम्पेयर टू मेल्स, है कि ना। फ्रांस से तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का? स्केलेटल सिस्टम में क्या होगा, दे ग्रो इन लेंथ। मैं एक बार ये सारा स्लाइड अगर हटा दूं, क्या आप लोग सारा पॉइंट रिवाइज कर सकते हो क्या, जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग? हाँ सर कर देंगे। हाँ मैं सर ट्राई करूंगा, देखिए क्या करते हो आप लोग। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की फॉर्मेशन होती है। कभी आपने देखा है कि फीमेल्स में बाइसेप बनाते हैं, ट्राइसेप बनाते हैं? कुछ लोग करते हैं, वो अलग करते हैं। अरे वो अलग चीज है, जिनको ज्यादा फिट रहने का शौक है ना, जिनको ज्यादा मर्द बनने का शौक, वो लोग करते हैं। जिनको नॉर्मल एक फीमेल रहना है बिना टेंशन का, बस वो सिर्फ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मतलब दौड़ भाग करते हैं, ये वाला चीज, यानी कि बॉडी में मास बढ़ा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, दिस इज नॉट मीन फॉर फीमेल, कर सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं है, पर कोई मतलब नहीं बनता कहीं आप क्या बोलते हैं, मेल्स की तरह क्या आप लेबरिंग करने वाले जाने वाले हो नहीं। आप जो भी जॉब कर सकते हो, अच्छा जॉब कर सकते हो, पर आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ की जरूरत है। हाँ कहीं पे आपको कोई गुंडा वगैरह कोई पकड़ या छेड़ रहा कुछ कर रहा है, वहां पर आपको लड़ने के लिए काम आएगा, ठीक है क्या? जब आगे क्या आपने जो जो आपको जिस मिनट के लिए बनाया गया है, आप उस हिसाब से जिंदगी जियोगे ना, आपको ये सब की नौबत ही नहीं आएगी, समझे क्या? कभी आप मेरे इन बातों को गौर करना, जिस लिए आपको बनाया गया है उस मकसद पे आप जिंदगी जियोगे, कभी भी आपको कहीं पे मुसीबत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने एक बहुत बड़ी बात की, शायद आप लोगों को कभी समझ में आए तो मेरे को याद कर लेना, ठीक है। बल्क एंड स्ट्रेंथ में क्या होगी, ग्रोथ होगी, आगे ना। हाँ जैसे वहां पर था अट्रैक्शन फॉर बॉयज, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा खास तौर से क्या होता है, बॉयज ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं फीमेल की तरफ से, आगे ना। क्या एक लड़की मुस्कुराने देती है, ये लड़का पागल होके दीवाना बन के घूमता रहता है, आगे ना, ये फैक्ट है, हम इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए ये मत समझना कोई आपको देख के मुस्कुरा दे, इसका मतलब ये मत समझना कि आपकी वो हो गई, क्या पता आपको खुश करने के लिए मुस्कुरा दिया हो, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये गलत फहमियां होती है, जीएफ बहुत बहुत बुरी चीज है, ये जीएफ बहुत बुरी चीज है, गलत फहमी एक बहुत बुरी चीज है जो आदमी को सर लगता है, मतलब वो ख्वाबों ख्वाबों में कुछ भी सोचता रहता है, पर इन रियलिटी उसका कोई लेन देन नहीं होता है। हाँ जी हर्ष, बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। फिर बाद में दीवाना सा घूमता रहता है कि मेरा ये लूट गया वो लूट गया, ठीक है ना। So attraction for girls begin, है कि ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। फिर नेचर ने आपको ना अकल दिया, क्या दिया है? अकल दिया है, और अकल के अच्छा यूज करना, अकल का अच्छा यूज करना है, इसीलिए फिर कुछ लोग संभले हुए रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या? गर्ल्स की दोस्त गर्ल्स होती है, फीमेल के मेल्स का बॉयज का दोस्त बॉयज होता है। अब ये मत कहना कि सर आप कैसे मना करो कि मेरा दोस्त बॉयज है, ये बात अलग है, आप कर सकते हैं, आपका दोस्त गर्ल्स है ऐसा कर सकते हैं, पर गर्ल्स इज मीन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज फॉर मीन फॉर गर्ल बॉयज, हाँ कि ना। आगे मैं बढ़ूँ क्या बताइए? अगर हॉर्मोनल लेवल पे देखा जाए, हॉर्मोनल लेवल पे देखा जाए तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर भी होगा कि नहीं होगा, ल्यूटोनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर भी होगा कि नहीं होगा। अच्छा मेल हार्मोन का नाम बताइए तो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। हाँ सेक्रेशन सबके सब इंक्रीज होते हैं, सेक्रेशन ऑल राइजेस। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो क्या, मैं बताइए। आगे बढ़ो क्या? इनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, मतलब बहुत कम होगा ना?
ये तुमने क्या कह दिया बेटा, कौन बोला ये? तो ये होता है, होता है। वहां से समझा। अरे फॉलिकल मतलब, फॉलिकल मतलब सिर्फ फॉलिकल ही नहीं, स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पर भी तो होता है, इनके भी सेल तो ग्रो होना चाहिए ना। इतने से अच्छा एलएच रहेगा दोनों में। हाँ हाँ, न्यूट्रलाइजिंग साथ ही साथ में फॉलिकल स्पर्म। हाँ, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नहीं होती और प्रोलैक्टिन नहीं होती, हाँ कि ना? सो वो बहुत कम अमाउंट में होता है ना, बहुत कम होता है। यहाँ पर ऐसा होता है, फिर वो फीमेल जैसी हरकतें करना शुरू करते हैं, हाँ कि ना? फिर उसका शौक भी फीमेल जैसा होगा, हाँ कि ना? अल्ता पाउडर लगाएगा तो थोड़ा बहुत फिर भी रहता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, पर वो नेग्लिजिबल होता है। ए बेशर्मा, तुम लोगों ने कैमरा बंद क्यों किया है? बेशर्मा हो सर, नीचे रख के करता, फिर आपको रूफ दिखेगा पूरा। अच्छा, रूफ दिखेगा, दिखाना तुम्हारा रूफ कैसा है, तुम्हारे टकले का रूफ। आगे बढ़ो, क्या बताइए? हाँ सर। अरे मैं तेरा बंद कर लो, बंद कर लो, तुम्हारा रूफ नहीं देखना है, वो बहुत अच्छा है। ठीक, आगे बढ़ो, क्या बताइए? थोड़ा सा आप मैंने रिपीट कीजिए, मैंने क्या लिख लिखा है। फ्रांस से शुरू कीजिए, फ्रांस से। अगर प्योरिटी आएगी तो फीमेल क्या क्या लेके आएगी बताइए। देखो मैंने बोला था कैमरा ही बंद कर लिया उसने। चलो आप मेल वाला, आप मेल वाला बोला, शर्मा रहे हो। अगर फीमेल प्योरिटी में जाएगा, मतलब मेल प्योरिटी में जाएगा, तो वो क्या क्या लेके आएगा? फरहान वन, एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, पेनिस, ये मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सब का एनलार्जमेंट हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, मस्कुलर स्ट्रेंथ गेन करेगा, पेल्विक गर्डल नैरो होगा, पेक्टोरल गर्डल बड़ा होगा, चौड़ा होगा, ठीक है, ताकि डिशम डिशम मारपीट कर सके। आगे और बताइए, मॉस्टेज आएगी, बियर्ड आएगी, चेस्ट में हेयर आएगा, फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक रीजन में हेयर आएगा, ठीक है। हाँ, अट्रैक्शन फैक्टर भी होता है, ठीक है। क्या अगला कौन बताएगा फीमेल्स के बारे में? अगला बेशरम तुम बताओ, अगला बेशरम, अरे बोलो। हेलो सर, नहीं याद, नहीं याद नहीं है? चलो ठीक है, मैं समझ रहा, तुम्हें याद क्यों नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तुम लोग शर्माते रह जाओ। कोई बताएगा क्या? तो हाई पिच साउंड होता है। हम्म, पेल्विक गर्डल ब्रॉडर देन पेक्टोरल गर्डल होता है। पार्ट डिपोजिशन स्पेसिफिक प्लेस में होता है, जिससे फेमिनाइन कैरेक्टर्स शो होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। हाँ, एक्सटर्नल जेनिया में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया साइज में ग्रो करता है, ठीक है। हाँ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि ओजेनेसिस शुरू होती है, मतलब और मेंस्ट्रुएशन भी चालू साइकिल और होती है, और नेक्स्ट में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ जी, तुम लोग टकला बेशरम हो, तुम लोग बेशरम ही रहोगे, ठीक है। जो आज बेफिक्र होकर बोलता है वही कल कामयाब होता है, क्योंकि ना आज तुम शर्मा गए, तुम कुछ बोले नहीं, तो जो हम आज बोल रहे हैं ना, कल हम वही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमें याद रहता है कि हमने क्या बोला था। जब मैं आज बोल रहा ना टकला बेशरम, तो कल भी मुझे याद रहेगा हमने क्या बोला था, समर्थ को टकला बेशरम बोला करता था, ठीक है। तुम लोग शर्माते रहो, तुम लोग शर्मा हो, शर्माते रहोगे, ठीक है। मैं तो कहां से शुरू करूं? ओके, पर आप कह सकते हैं बात। तो ये आपके पास क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा आगे ना? Yes, sir.
और इसमें अब क्या रह गया बताइए? अच्छा इसका मैंने टाइमिंग लिख लिया था कि ब्लीडिंग कब से कब तक होती है? हाँ, 3 to 7 days. 3 to 7 days पर होगा कितने 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 के बीच में? वो सब नहीं बताया. 3 to 5 days बताया था? नहीं. एनसीईआरटी की लाइन है, लिखिए पॉइंट. अब सर हम लोग मेंस वाला पार्ट थोड़ा स्टार्ट करते हैं. द साइकिल स्टार्ट्स विद, मतलब कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि ना? विथ अ मेंस्ट्रुअल फेज. When menstrual flow, when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days, minimum 3 days chalega. ठीक है. एंड दिस लाइनिंग इज ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज ड्यू टू मेंस्ट्रुअल फ्लो इज ड्यू टू रिजल्ट्स इन ब्रेकडाउन of endometrium. आगे ना, endometrial lining. बात समझ में आ रही क्या आप लोगों को? lining of the uterus. एंड इट्स ब्लड वेसल्स. हाँ कि ना, उसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है जिसमें हर पीरियोडिक मंथली पे क्या होती है? साइक्लिकल चेंजेस होती रहती है. मतलब वो फिर एक बार शेड ऑफ होती है, फिर रिपेयर होती है, फिर शेड ऑफ होती है, फिर रिपेयर. ये कंटिन्यूसली साइकिल चलता रहता है. ठीक है. यूटेरस एंड इट्स क्या कह सकते हैं हम, ब्लड वेसल्स which forms liquid that comes out through vagina. बहुत फीमेल्स में ऐसा प्रॉब्लम होती है कि देयर इज मेंस्ट्रुअल पेन. क्या होती है मेंस्ट्रुअल पेन होती है. जब ये ओवुलेशन होती है उस टाइम भी पेन होती है. ड्यूरिंग ओव्यूलेशन उस टाइम भी संभवत किसी को पेन होती है. और बहुत फीमेल्स में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल पेन भी होती है ड्यू टू अंडरलाइनिंग व्हाट यू कैन से हेल्थ इशू. क्या होती है, ब्लड लॉस और इन सब की वजह से क्या होती है, मेंस्ट्रुअल पेन भी होती है. हाँ कि ना. और ऐसे अलग अलग डिफेक्ट होती है जो कि आप लोग आखिर आपके यहाँ पर सिलेबस में है नहीं, बस इतना बताना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल पेन भी होता है ड्यू टू अंडरलाइंग कुछ हेल्थ इशू की वजह से. ऐसा हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है. अच्छा, कभी कभी स्ट्रेस या टेंशन या और भी अंडरलाइंग हेल्थ इश्यू की वजह से मेंस्ट्रुअल नहीं भी हो सकती है. बात समझ में आ रही है क्या? मेंस्ट्रुअल होती है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इनसे इन्फेक्शन से बचने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट यू कैन से, क्या बोलते, विस्पर्स बोलते हैं क्या या पैड्स बोलते हैं? तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैड्स दैट इज यूज्ड बाय फीमेल्स. जहां पर क्या कहते हैं, इन पूरा ब्लीडिंग को इट इज सक्ड. हाँ कि ना, अगर इनको क्लीन ना की जाए, क्योंकि क्या है कि एक मसल्स की ब्रेकडाउनिंग वाल है और ये जब क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, अगर इनको क्लीन ना की जाए तो देर इज चांसेस के इन्फेक्शन हो सकता है. तो मेल से कंपेयर में फीमेल्स को ज्यादा क्लीननेस का ध्यान रखना पड़ता है और हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है. बहुत जगह बहुत केस में क्या होती है, फीमेल जो होती है मतलब उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है.
और फिर वो ऐसे चीजों को हैंडल नहीं कर पाती और फिर फाइनली बीमार पड़ती है। सो एट द टाइम ऐसे कुछ चाहिए क्या कि पेरेंट्स वगैरह या जो फिर उनके अच्छे फ्रेंड्स वगैरह या फिर कोई जो उनको अच्छा देखभाल करता हो ऐसे केस में उनको सपोर्ट करना चाहिए और केयर करना चाहिए सो दैट कि इस तरीके के इन्फेक्शन से वो बच सके। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैड्स, तुम लोग बोलते हैं सैनिटरी नैपकिंस। इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है और इनके बारे में एक जागरूकता वाली चीज एक्सप्लेन की जाती है, बताई जाती है कि इस तरीके से आपको रहना है और घबराना घबराते नहीं, एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि आपको आपके पास कुछ और फीमेल मेल्स के पास कुछ और मेल्स फीमेल्स के पास कुछ होती है, तो इस तरीके से आपको इनसे डील करना है ताकि और आपको से घबराना नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, यस सर, यस सर। हाँ, गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं, गांव वगैरह में जो लोग यूज हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में टर्म यूज किया है टेम्पन, या पढ़ा है क्या आप लोगों ने? क्या टेम्पन? टेम्पन टेम्पन होती है। अच्छा हाँ सर, मालूम है आप लोग का पता है सर। हाँ, बेसिकली पैड्स तो नहीं होता है, एक कॉटन की कुछ समवाट स्टिक होती है, मतलब वी कैन से इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, क्या ये कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप की होती है, कॉटन की बनी होती है। ठीक है, और इसमें थ्रेड लगी होती है, ये फुली कॉटन की होती है और क्या करता है, इट इज इंसर्टेड इन द वजाइना, आगे ना, सो दैट द होल ब्लड इट कैन एब्सॉर्ब। बात समझ में आ रही क्या? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पन बोलते हैं। क्लियर है क्या? नाउ डेज पैड्स में पहले ये सब चलता था, अब खैर पैड्स वगैरह चलता है। अब जैसे जैसे वर्टिकल से एज फीमेल्स होते हैं, उसी हिसाब से पैड्स भी होती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग भी होती है, थिन भी होती है, और कुछ आपने प्रचार वगैरह भी देखा होगा कि इस हिसाब से होती है कि मतलब पता भी नहीं चलता है और उसका सारा ऑफिशियल काम भी हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। क्लियर है क्या? तो डिपेंड करता है कि कौन से क्वालिटी का आप चीज यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है टेम्पन। मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा था यार, क्या था वो, एक तो मेंस्ट्रुअल पेन था और हाँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी हो सकता है किसी केस में जहां पर क्या होगा, कुछ अंडरलाइंग हेल्थ इश्यू की वजह से ऐसा ना भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ब्लीडिंग किसी डिफेक्ट की वजह से, किसी और ओरिजिन की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकता है, ब्लड का लॉस ज्यादा भी हो सकता है। यह प्रॉपर अमाउंट की एक वॉल्यूम होती है जो आपको मैं खुद में लिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस होता है। इसके लिए क्या होती है, जिनके पास ब्लड का लॉस ज्यादा होता है, दैट दोस काइंड ऑफ फीमेल्स आर मोर रिलेटेड टू एनीमिया कंडीशन। हाँ ना, क्योंकि ब्लड का लॉस होता है और एनीमिया के लिए एनीमिया की गोली खाई जाती है। हाँ ना, इसको बोलते हैं आयरन की कैप्सूल्स। हाँ ना, आयरन के कैप्सूल्स दी जाती है फीमेल्स को। क्लियर है क्या? जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं इनको सप्लीमेंट के तौर पर भी दी जाती है, सो दैट की जो ब्लड का लॉस है इनको कंपनसेट की जाए। बात समझ में आ रही है क्या? और ये जो ब्लीडिंग होती है बेसिकली क्या होता है, ये जब होगा, जब वो फर्टिलाइज एक नहीं होगा, पहले क्या होगा, आपके पास ओव्यूलेशन होगा, पहले क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। हाँ कि ना, देन फिर क्या होगा, अगर वो फर्टिलाइज ना हो, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, देन क्या होगा, वो उनके साथ साथ सारा का सारा कुछ दिन बाद नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, मतलब जो पहला साइकिल आएगा उसमें ब्रेकडाउन होके इस तरीके से चला जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? हेलो, हाँ, ये वाला पॉइंट आप लोग, हाँ सर, मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स if released egg is not fertilized. Released egg is not fertilized. बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, lack of pregnancy we can say, या हम लोग कैन से लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयर इज एन इंडिकेशन दैट दैट फीमेल और दैट लेडी इज बीइंग प्रेग्नेंट। हाँ कि ना, तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, जरूरी नहीं कि ऐसा भी हो, इट मे ऑल्सो भी पॉसिबल दैट देयर इज व्हाट वी कैन से
अंडरलाइंग हेल्थ इशू जिनकी वजह से स्ट्रेस हो गया या पुअर हेल्थ हो गया, जिनकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या? द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अच्छा, मेंस्ट्रुअल में ना अलग अलग फेज होता है। मेंस्ट्रुअल फेज होगा, उनके बाद क्या होगा, फॉलिकल्स की एक फेज आएगी, देन फिर क्या होगा आपको बताइए कि प्राइमरी फॉलिकल साइज में ग्रो करेगा ओवरी के अंदर एंड बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये कैसे कैसे होता है हम लोगों ने पीछे लेक्चर में पढ़ रखा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट्स थ्रू द प्रोलीफेरेशन। जो इनर वाला लेयर है, बीच वाला लेयर, उससे क्या होगा, प्रोलीफेरेशन होगा और ये वाल्स को दोबारा बनाएगा। एंड दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एज वेल एज ओवेरियन हार्मोन। क्लियर है क्या? पिट्यूटरी एज वेल एज ओवेरियन हार्मोन। द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन FSH एंड LHS, FSH एंड LH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड देन इट स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। मीन्स फॉलिकल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। जो फ्लोइंग फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं उनसे क्या होगा, एस्ट्रोजन की सेक्रेशन होगी बोथ LH एंड FSH। जब एक पीक पहुंचता है, फिर वहां पर क्या होता है, ओव्यूलेशन करवाता है। जैसे वो ओव्यूलेशन होता है फिर धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे होती है। इसके लिए मैंने आपको एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो वेट फॉर अ मोमेंट। कहाँ गया, कहाँ गया? सर एनसीईआरटी में ही खोल दो ना, होगा एनसीईआरटी में सर, वो उसी में खोल दो ना वो ग्राफ अच्छे से भी। हाँ तो मैं वही खोल रहा हूँ, चिंता मत करो। आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। अच्छा, आपको सिर्फ स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? आपने शेयर नहीं किया है तो सर। आप दिख रहे हैं? Yes. हाँ, मैं आपको उस टाइम ये बता रहा था कि आपको एनसीईआरटी के साथ कैसा स्टिक रहना है, बिल्कुल इस तरीके जैसे से अम्बिलिकल कॉर्ड यूटेरस। हाँ, इस तरीके से एनसीईआरटी शिप कर रहना है। मतलब एनसीईआरटी के हर एक लाइन इतनी बारीकी से पढ़ लो कि एनटीए का एटीएन भी आपसे सवाल पूछ ले, आपसे सवाल बन जाना चाहिए, ठीक है ना। अरे एनटीए का उल्टा ATN होता है ना, ठीक है ना। अगर ये भी सवाल पूछ ले तो आपसे कोई सवाल छूट नहीं सकता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल वैसे पढ़ो जैसे कि मेरी बुक में सबके सब फैली हुई है। डायग्राम पूरा ना दिमाग में छाप लो, जहां भी देखो ये सारा डायग्राम नजर आना चाहिए। हाँ, फला फला जगह वो था ऐसा आपको करना आना चाहिए, समझे क्या? सिर्फ ये वाला नहीं, सारा जितनी भी एनसीईआरटी डायग्राम है, ये वाला भी, ये भी, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, ध्यान रखना। ये वाला, ये वाला, ये तो कई बार पूछा गया, एम्स वगैरह में कई बार पूछा गया है। ये वाला भी, मतलब इनडायरेक्टली वैकेंसी से सारा डायग्राम, ठीक है। ये तो और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब हम लोग क्लास एट में थे ना तो एक हंसी की बात है, एक बच्चा था, मतलब अपने फ्रेंड था, तो उनको समझ में आने के सर ये डायग्राम किस चीज़ का है, तो सर से पूछे सर ये रॉकेट कहाँ का है, ये कौन सा रॉकेट है, समझे क्या? क्या कहा था सर, ये रॉकेट कहाँ, ये कैसा रॉकेट है, समझे क्या? ये इसके बारे में कहा था उसने, स्पर्म के बारे में। अब जो जानता था वो इतना हंसा कि उसका कोई ठिकाना नहीं, ठीक है, इसलिए उसका नाम रॉकेट ही पड़ गया। ये वाला भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो कई बार सवाल पूछा गया, ठीक है ना। खुल जाओ सिम, नहीं खुला क्या? सर पेज नंबर 50 वाला डायग्राम ना। सो हो गया, गया खुल क्यों नहीं लगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं है?
सर वो पीडीएफ ज्यादा खुले रहेंगे तो स्लो होगा। सेकंड में सही बोला, थोड़ा हटा देता हूं। अरे ये हैंग कर रहा है क्या? सर आपके पास 11th के सेल के नोट्स है तो शेयर कर दो ना। क्यों सर? ऐसे ही सर, मैम ने तुमको नहीं लिखा है सर? 11th का है ना सेल्स। मैं करता हूँ अरेंज। अब दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर अभी चल रहा है ना। सो वही दिख रहा है फॉलिकल वाला। सब दिखेगा, सब दिखेगा, सब लो, सब दिखाऊंगा, रॉकेट भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, रॉकेट दिखाऊंगा, प्लेन दिखाऊंगा, हेलीकॉप्टर सब दिखाएंगे, ठीक है? इसको हो क्या गया यार? इसलिए बोलते हैं रितिका रिटर्न नोट्स में पढ़ा करो, उसमें ज्यादा ज्यादा इजी होता है, सारे डायग्राम अच्छे से अरेंज किया हुआ होता है। इसका अलग ड्रामा चल रहा है, देख गया सर। पर मुझे तो यहाँ पे स्क्रीन नहीं खुल रहा है ना। खुल गया है। खुल गया? हाँ अरे वाह क्या बात है, वहीं पर डायरेक्ट खुला, अच्छी बात है यार। तो बाजू वाले में ये बताना था, बाजू वाला क्लास में है क्या बाजू? हाँ सर। हाँ सर क्लास में है क्या आप? मेरे ख्याल से मैं लैपटॉप हैंग कर रहा हूँ इसलिए कंप्लीटली शो नहीं हो रहा है। सर आपको दिख रहा नहीं है क्या? जूम ही काम नहीं कर रहे हैं। मैं ना मीटिंग एंड करता हूँ। अरे यार वो दिक्कत हो जाएगा, मैं स्लाइड सेव भी नहीं किया था। तो वरना हम में से कोई अगर ट्राई करे शेयर करने तुम्हें फिर हॉस्ट बनाना पड़ेगा। खत्म हो गया, गया वो। एनसीईआरटी से देख लेंगे ना। मैं तुम्हें भी कंप्लेन करूं, एनसीईआरटी देख लेंगे, बेवकूफ लड़का, रुक जाओ मैं कर रहा तुम्हारा इंतजाम। सर आपको फोटो भेज देते हैं। अरे मेरे पास है ना बुक, नहीं मेरे पास क्या, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? तो आप वो समझा सकते हो ना, हमारे पास भी तो बुक है। हाँ सर थोड़ा वेट करो, मैं कर रहा हूँ इंतजाम, ये सब डराने बाज बोल हो गया। थोड़ा वेट कर लो, क्लोज द प्रोग्राम।
हेलो, हाँ जी आ जाओ। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। अभी नहीं खुलेगा क्या? यहीं पर आकर दिक्कत करते रहे। सर आपका व्हाट्सएप वेब चल रहा है ना, उस पे हम लोग सेंड करते हैं, आप उससे खोल लो। क्या मुझे सेंड करोगे आप? हाँ चलो हो गया। मेरे ख्याल से ये स्लो काम कर रहा है। तो आपको नहीं दिख रहा क्या अभी भी? दिख आधा दिख रहा है जो कि काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग समझने की कोशिश की, ठीक है ना? एक तरफ दिख रहा होगा आपको पिट्यूटरी हार्मोन, दिख रहा है क्या? हेलो सर, पिट्यूटरी हार्मोन क्या होता है? पिट्यूटरी हार्मोन क्या होता है? अरे कोई उसको बताओ यार, कोई टकला में। ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ। ओ पिट्यूटरी हार्मोन क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। फॉलिकल और ल्यूटिनाइन है, समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर कौन कौन सा है? इधर आपके पास क्या है? प्यूटरी और FSH और LH। क्या करूं मैं इसका? एक काम करते हैं ना, मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है? दोबारा लोग ज्वाइन कीजिए।
हेलो हेलो छह बजे तक ही है ना क्लास, तो छोड़ दो तक मेरा क्लास है एक्चुअली। तो ठीक है छोड़ दीजिए सर, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिलेटेड ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ठीक है, जो तक हुआ है। हां सर, थैंक यू सर। कौन क्या बोल रहा है? बाय बोल रहा हूं, ठीक है बाय।